साथ है अंशु मौर्या, टैग चैंपियन सपोर्ट। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा हुलिया क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर मतलब यार काफी ज्यादा गर्मी है यार, क्या ही बताऊ मैं। कैसे है भाई? ठीक है। कितनी में बना है? सोती माँ किट बना है? जय जोहार जय आदिवासी साथियों, मैं हूं जोरू ब्लॉगर, आप देख रहे हो ए टू जेड मॉडल यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो एक ही उम्मीद रखूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूं पाली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जो मालदार ढाणी, ढाणी किसको बोलते हैं मैं आज आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा। आपको बता दूं कि ढाणी उसको बोलते हैं जो मतलब एक गांव के अंदर जो अलग अलग घर रहते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हो एक घर वहाँ पे है और दूसरे वहाँ और वहाँ दूर दूर, मतलब थोड़ा दूर दूर के अंदर एरिया के अंदर फैले हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं ढाणी। जो आज और यहाँ के छोटे छोटे घर है वहाँ पे भी एक्सप्लोर करके बताऊँगा कैसे फिर किस प्रकार से जो आदिवासी जाति होती है, जिसमें आदिवासी घरासिया जाति होती है, किस प्रकार का उनका रहन सहन, खान पान और क्या करते हैं अभी इस कड़कती धूप के अंदर, वो आपको मैं बताऊँगा। और बने रहे सुलोक के साथ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ जाएंगे, बताएंगे क्या रहन सहन खान पान। और मेरे साथ में हैं अंशा AK-47, जो हम अभी दोनों आए थे इधर, तो एक्सप्लोर करेंगे पूरा। मतलब देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है इस धूप के अंदर, मतलब सहन करना मेरे बस की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है। तो थोड़ा सेफ्टी के साथ हमने रुमाल लिया है और देख सकते हो तगड़ा सा। और हम जब भी जाएंगे अभी तो डूंगरा पर खड़े हैं, इधर देख सकते हो ये पूरा मतलब बहुत ही मतलब क्या ही बताओ आपको, है ना, इतना ही मतलब है इधर हर मतलब खाई वगैरह बहुत है डूंगरों पे। और हम जाएंगे बताएंगे कैसे किस प्रकार का सीन रहता है। और मुंह में हो गए यार, चाले हो गए, देख सकते हो इधर है ये, तो मतलब यार बोलना भी मतलब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन फिर भी हम जाएंगे वहाँ का मतलब जो लोग होंगे उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे क्या मतलब सीन रहता है ना। तो चलो यार थोड़ा चलते हैं ना, बाकी गर्मी बहुत है। तो अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हो कि इधर कोई मतलब ऐसी ऐसा कोई रास्ता वगैरह नहीं बना हुआ है कि हम रास्ते पे चले। बाकी इधर है ना आप देख सकते हो तो इधर पगडंडी बनी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हो पगडंडी है, जो वो भी इतनी मतलब नहीं दिखती कि मतलब एकदम साफ साफ दिखे आपको, पगडंडी है तो पगडंडी का रास्ता है, देख सकते हो आप। अभी अपन जाते हैं पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो मैंने भी अपने सेफ्टी कवर है जो रुमाल, लेकिन यहाँ पर एक पास में घर है, अपन इस घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। और इस ये कौन सा पेड़ है आप कमेंट में बताना मुझे। ये रहा सामने घर, अपन इस घर पे जाएंगे और यहाँ का मतलब रहन सहन देखेंगे किस प्रकार का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके आजीविका, इन बकरी वगैरह अच्छा रहते हैं यहाँ के लोग। चलो चलते थोड़ा अंदर जाते हैं, यहाँ का मतलब घर किस कैसा है, किस प्रकार का है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ पर कोई मेहमान आए हैं। कैसा है भाई? ठीक है ना, की कण है? ठीक है। कितनी में बना है? सोती माँ किट बना है? इस कले में बना है? मार सभी जाके बनावे हाउस बनावे बड़े बीजू हाउ गए हाउ है गए भेड़वारू क्यों लगे हाउ लगे है जोरती बोल जोरती हाउ लगे तो भेड़ से हूँ बेणुआ मारसा बेणुआ है के कोई के पुलिस वालों के हूँ बेणुआ डॉक्टर बीजू मारसा ओ थारू बेणुआ पुलिस हूँ करवा पुलिस बेणुआ दारू पियोना है थोड़ा मांगा लगा। बच्चे हैं जो इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े ड्रीम है कि हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा बनेंगे, मतलब डॉक्टर पुलिस ऐसे टीचर वगैरह ऐसे ड्रीम है। तो मतलब देखते हैं क्या है इनका मतलब घर वगैरह कैसा है, देखते हैं और आपको मैं पूरा यहाँ का एक्सप्लोर करके बताऊँगा। हो ये किसका है?
किसकी बकरी है? सरवण की है। और ये क्या है? ये कुकड़े के कोड़े, मतलब मुर्गी पालन करते हो? यो अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुर्गी, ये मुर्गी, अच्छा अच्छा, मतलब ये मुर्गी का रहने का है, ये नहीं बकरों का रहने का ना? हाँ। देख सकते हो, मतलब जो इनकी बकरी है उनका लिए, उनके लिए अलग बनाया गया है घर। ये वंडरफुल काई है, सॉरी श्री, इसका क्या नाम है? निशा। अच्छा निशा पानी पर है कनिशा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि माता यहाँ पर पानी भरती हुई दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ पर ये पानी सिर के बल लेके आना पड़ता है। तो कितना दूर है? काफ़ी दूर है ये पानी भरना भी। और देखो सिर के बल या गाय के बछड़ों को पानी पिलाते हैं। देखते हैं गाइस ये कहाँ से पानी लेके आते हैं, कितना मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता है या फिर पगडंडी है, देखते हैं अपन वहाँ जाते हैं। दोस्तों देख सकते हो कि इस रास्ते से मतलब होके, इस पगडंडी से होके पानी मतलब भरना पड़ता है। आप सो लक्की हो, बहुत किस्मत वाले हो, आपको घर बैठे नल आते हैं या फिर समतल के अंदर आपको पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। बाकी आप देख सकते हो इधर कैसे मतलब पगडंडी है पूरा, मतलब एक इतने इतने घरों के अंदर एक ही हैंडपंप है। देखो है दो, देखो यार बढ़िया। तो दोस्तों पानी वानी पी के हम फिर से आ चुके हैं इनके घर के पास में, जो खेत हैं, जो इनके यहाँ पर मतलब एक सीढ़ीनुमा टाइप में खेत हैं, और कुछ घर की हालत कुछ ऐसी है, देख सकते हो पूरा मतलब झुपटपट्टी है, देख सकते हो मतलब यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ हम थोड़ा इधर बैठे थे तो देखिए गाइस यहाँ का सीन, मतलब यहाँ के घर कैसे, पीछे दीवार है जो किस प्रकार से लकड़ियों से गूंथ के बनाई गई है, और देखो ये महिला जो बातें करती है आपस में, डिस्कशन है थोड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि घर की छत है जो किस प्रकार से पूरी सी टूटी हुई है, घर के अंदर से रोशनी भी आ रही है, और देखते बारिश के टाइम में क्या इनका क्या हाल होता होगा, यहाँ पर किसी किस प्रकार से रहते होंगे यहाँ के लोग हैं जो। एक्सप्लोर कराया जो मतलब घर की कंडीशन बताई, जो आप देख सकते हो कि घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री आवास योजना होती है, जो जिनको मतलब रियल में बेनिफिट मिलना चाहिए ना उनको नहीं मिल रहा है, बाकी मतलब जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, बाकी दूसरे लोगों को ही मिलता है। देख सकते ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, ये एक नहीं बहुत सारे ऐसे घर बने हैं यहाँ पे, मैंने बहुत सारे विजिट किए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यह मैसेज मतलब आगे से आगे फॉरवर्ड करें, ताकि मतलब जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए ना उनको ज़रूर मिले। और दोस्तों भी मतलब दादा थे, दादा से बात करनी थी, लेकिन दादा अंदर सो रहे थे, सोचा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इनके मतलब मैंने पूछा था इधर डॉक्यूमेंट वगैरह है या नहीं, तो मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह भी नहीं है, और इनका मतलब किसी भी प्रकार की इधर सुविधा नहीं है, मतलब इधर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है ना, आपको मैं क्या ही एक्सप्लोर करके बताऊँ। अभी मैंने बात करी थी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, अदर मतलब क्या क्या सुविधा है सबसे बात की थी, लेकिन सुविधा मतलब नहीं मिली थी, तो क्या ही बताओ, बहुत कंडीशन ख़राब है। शुक्र मनाओ कि आप मतलब आपको एक अच्छा वातावरण, अच्छा घर, अच्छा मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम वगैरह अच्छा मिला है, बाकी यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होती है, करेंसन भी मतलब पता है गाइस इधर नेटवर्क भी नहीं आता इस गांव के अंदर, मेरा तो नेटवर्क नहीं आता, और यहाँ के लोकल लोग ही उनका आता, मेरा नहीं आता। जैसे ही हम एक्सप्लोर करने गए थे थोड़ी बहुत तो बातचीत की थी, लेकिन वहाँ मेहमान नवाजी भी आए हुए थे, तो यार बात करने का इतना मौका नहीं मिला था कि अच्छे से बात करें उनसे, क्या रहन सहन खान पान जो भी है वो दिखा देता, लेकिन वो मेहमान नवाजी के अंदर सेवा कर रहे थे और मैं भी इधर से गया था, तो मतलब इतना दोनों के बीच में जमा नहीं, के इधर ध्यान दे या फिर इधर ध्यान दे। उसके बाद में फिर मैंने भी सोचा कि इधर आज के दिन मेहमान आए हैं इनको सेवा करने दो, उसके बाद में अपन मिलेंगे और कभी, तो यार एक्सप्लोर करने में थोड़ी बहुत कमी रहेगी, वैसे कमी तो है बहुत ज़्यादा, पूर्ण करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोगों को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।